तो साथियों, अगर आप अपने बच्चे के आधार कार्ड पर अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहते हो, मान लीजिए कि आपके बच्चे के आधार कार्ड पर कहीं और का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एड्रेस आपको चेंज करवाना है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, कौन सा बच्चों वाला होता है, कौन सा एडल्ट का होता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको कौन सा फॉर्म लेना है, आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने बच्चे के आधार कार्ड पर एड्रेस को चेंज करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा फॉर्म फिल करना है, आज की वीडियो में मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। साथियों, मैं आज आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी, अदरवाइज आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं भाई कि ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। देखिए, अगर आप अपने बच्चे के आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट करना चाहते हो, तो फॉर्म दो तरीके के आते हैं, एक बच्चों के लिए आता है और एक एडल्ट के लिए आता है। तो हमको हमारा बच्चों वाला फॉर्म चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म चाइल्ड 0 से 5 ईयर्स। सीधी सी बात है, मतलब ये कि ये बच्चों के लिए फॉर्म है, तो हम बच्चों पर ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों के लिए हमको फॉर्म ये आपको आपके पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अब हम इस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे भाई, इस पर हम लोग अच्छे से बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। बस आपको बने रहना है वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। यहाँ पर पहले नंबर पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, न्यू एनरोलमेंट और अपडेट। न्यू एनरोलमेंट, अगर आप नया आधार कार्ड अपडेट लेना चाहते हो, नया आधार कार्ड आप बनवाना चाहते हो, तो न्यू एनरोलमेंट पर टिक करिए, और अगर आपका आधार कार्ड पहले से बन चुका है, आप अपडेशन करवाना चाहते हो, तो यहाँ आपको अपडेशन पर टिक कर देना है, यानी अपडेट पर टिक कर देना है। दूसरे नंबर पे आता है रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। भाई, इसका मतलब पहले समझ लीजिए, रेजिडेंट इंडियन का मतलब ये होता है कि आप भारत के ही रहने वाले हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब ये होता है कि आप भारत से कहीं बाहर के रहने वाले हो, लेकिन आप भारत में रहने लगे हो, मान लीजिए स्टडी करते हो या कोई बिजनेस करते हो, इस पर्पज़ से अगर आप रहने लगे हो, तो आप यहाँ पे सही सही टिक लगा देना है। इंडिया के ही हो तो यहाँ लगा दीजिए, और इंडिया से कहीं बाहर के हो तो आप यहाँ पर भी टिक लगा सकते हो। समझ में आ गया। अब आएंगे हम लोग तीसरे नंबर पर, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्सन, आपको आपके बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, 16 अंकों का आपको दिए गए 16 अंक यहाँ पे। चलिए, अब बात कर लेते हैं क्या एड्रेस। एड्रेस में आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, सीधी सी बात है, एड्रेस में आपको टिक लगा देना है, और आपको नाम लिख देना है जिस नाम से आधार कार्ड बना हुआ है, जो नाम आपके बच्चे के आधार कार्ड में लिखा हुआ है, वही नाम आपको यहाँ पर सही सही लिखना है। समझ में आ गया साथियों। बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो यहाँ आपको उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना है, और उसका नंबर भी लिख देना है नाम के साथ। नाम लिखिए पहले अपने बच्चे का, और कॉमा लगा के बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए, अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया गया जेंडर, आपका बच्चा मेल है फीमेल है जो भी है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको सातवें नंबर पर देखने के लिए मिल रहा होगा डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जैसे हम लोग बताए हैं बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग लगा रहे हो यहाँ पे, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपकी जन्मतिथि दी गई है बच्चे की, वही जन्मतिथि आपको यहाँ पर सही सही लिखनी है। यहाँ पे अब आपको आना है आठवें नंबर पे। देखिए, यहाँ पे अब आपको अपनी डिटेल फिल करनी है भाई, आप अपनी डिटेल फिल करिए, माताजी का नाम लिखिए बच्चे की, उनका आधार नंबर लिखिए माताजी का, नीचे आइए अगर आप पिताजी हो बच्चे के तो आप अपना नाम लिखिए यहाँ पे, और आप अपना आधार नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन करिए, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए भाई किसी केसेस में बच्चे के माता पिता नहीं है, बच्चा अनाथ है या किसी अनाथालय में रहता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से गार्जियन नेम लिख देना है। भाई किसी के पास तो रहता ही होगा, गार्जियन आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम इश्यूड बाय, बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो आपको यहाँ पे अथॉरिटी पे टिक लगा देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। और अगर आप इंडिया से कहीं बाहर के हो, तो आपसे पासपोर्ट नंबर भी मांगा जा सकता है, सीधी सी बात है, आपसे पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए, थोड़ा नीचे आएंगे, यूडाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। अगर मान लीजिए बच्चा किसी अनाथालय में रहता है और अनाथ है, तो कौन से इंस्टीट्यूशन में रहता है, उस इंस्टीट्यूशन का आपको यहाँ पर नाम लिखना है बहुत प्रॉपर तरीके से। अब एड्रेस आपको फिल करना है, एड्रेस आपको आपके बच्चे का एड्रेस फिल करना है, जहाँ पे अभी प्रेजेंट में है, जहाँ पे अभी रह रहा है वो। यहाँ पे आपको क्या करना है, निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है
तो वही निवास प्रमाण पत्र के बेसिस पर ही आपका एड्रेस चेंज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। तो वही सही सही एड्रेस अब आपको यहाँ पर लिखना है। एड्रेस उनको सही सही लिखिए जो आपके निवास प्रमाण पत्र में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है भाई, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ईमेल लिखना है। ईमेल अपनी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा ईमेल का इस्तेमाल नहीं करता है अभी, सही बात है, 5 साल तक के बच्चे अधिकतर मेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी लिख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर अपना लिख सकते हैं, पिन कोड आप लिख सकते हो एरिए का बहुत प्रॉपर तरीके से, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट। देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको कोई भी एक बच्चे का डॉक्यूमेंट लगाना है। मान लीजिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिए, जो मैं आपको बताया हूँ निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है बहुत प्रॉपर तरीके से, उसी के बेसिस पर आपका एड्रेस चेंज हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो, प्रूफ ऑफ रिलेशन वो आपका क्या लगता है, बेटा है बेटी है जो भी है, आप यहाँ पे एक लगा सकते हो प्रॉपर तरीके से। प्रूफ ऑफ रिलेशन जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा आपका रिलेशन के लिए, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको। चलिए अब यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं, आप गार्जियन हो बच्चे के, तो यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको साइन कर देने हैं। डेट एज टाइम ऑफ एनरोलमेंट, आपको डेट उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में नहीं अपनी पोस्ट ऑफिस में सबमिट करो। सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस में सबमिट करो, उसी दिन की डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है, समझ में आ गया। चलिए अब ये फॉर्म हमारा फिल हो चुका है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ले लेनी है और एक बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी ले लेनी है। तीनों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को नहीं देना है, आपको आपके पोस्ट ऑफिस में दे देना है किसी भी एक कर्मचारी को। प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ, कर्मचारी को दे देना, वो कहना सर एड्रेस चेंज कर दीजिए, आपका एड्रेस आपके निवास प्रमाण पत्र के बेसिस पर चेंज कर दिया जाएगा आपके बच्चे के आधार कार्ड पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।